नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी पोस्ट में गोपाल गिरी। समय हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन के प्रांगण में। चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये वो भीड़ है, वो बच्चे हैं जो जिला स्तरीय यहाँ खेलकूद की प्रतियोगिता चल रही है। उद्देश्य होता है कि जो ग्रामीण अंचल पे जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो निकल के सामने आए और उसके लिए एक मंच दिया जाता है। और उस मंच के जस्ट पीछे हम इस समय मौजूद हैं, जहाँ मंच है, जहाँ प्रोत्साहन हो रहा है, जहाँ पुरस्कार बट रहे हैं, उनसे दूर हटकर आप देख रहे हैं जमघट का। और जमघट की वजह दो छोटे से नन्हे कला कार। हाय, इनके परिचय अमिनी के मुंह से लेते हैं। बेटा क्या नाम है? विक्रम। कहाँ से हो? यूपीएस चक्रा। यूपीएस चक्रा। और कौन है साथ में? आठ लोग हैं, तमाम लोग। तो क्या लेके आए थे आप इस टीम में? ढोलक, झीका, ढपली, इतनी चीज लाए थे। चीज लाए थे? यस सर। तो बिना रोक टोक के इनके टैलेंट से आपको रूबरू कराते हैं। आज क्या कुछ सुनाएंगे यहाँ, जो बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए हैं। चारों तरफ जो है आपके शिक्षकों का मजमा है, गुरु हैं आपके, और साथ में बहुत सारे जो है आपकी तालियां बजाकर उत्साहित करने वाले लोग। शुरू हो जाइए। इनके नन्ना टैलेंट है, ये वो सच्चा टैलेंट है जिसने सबको विवश कर दिया है पर खींचने के लिए। चाहो तब देख सकते हैं भीड़ और सबके चेहरों पर अगर कुछ है उनकी आंखों में, है तो इन बच्चों के लिए केवल और केवल प्रशंसा की भावना। ये वो सच्चे लोग आए। हम तो लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ बीओ सर हैं। बीओ सर, आज बीओ बेजम राय जी, आज यहाँ जो है कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर मंच लगा हुआ है, बीएसएस साहब पुरस्कार बांट रहे हैं, आप यहाँ जो है पलथी मार के बैठे हुए हैं, क्या वजह है? बच्चों का ये कार्यक्रम ये खींच लाया है, उस कार्यक्रम से अब इनका टैलेंट ऐसा है कि यहाँ पर बैठने का मन कर दिया है। आपको नहीं लगता है इसी टैलेंट को निखारने का असली उद्देश्य इस कार्यक्रम? एकदम यही सरकार का भी लक्ष्य है और हम लोग भी इसी के लिए पूरा तत्पर हैं। तभी यहाँ बीओ भी बैठे हैं, आगे बीएसए साहब भी बैठेंगे, जोधपुर डीएम साहब भी देखेंगे इस टैलेंट को। तो क्या इन टैलेंट के लिए विभाग की तरफ से क्या कुछ प्रोत्साहन है? इस टैलेंट को हम लोग मंडल और स्टेट तक ले जाएंगे और वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य विभागीय मंत्री महोदय के सम्मुख ये जब टैलेंट आएगा तो निश्चित रूप से। साहब का कहना है कि बहुत दूर तक ले जाएंगे, बच्चों से पूछते हैं कि आज क्या कुछ रहा है। बेटा, आपने पार्टिसिपेट किया था? यस सर। क्या कंडीशन रही आपकी? बहुत अच्छी। क्या कोई पुरस्कार मिला? आप किसी श्रृंखला में हैं? आए थे सर, अभी मिला नहीं है कुछ। कौन सी रैंक आई है? जीत पता नहीं। जीते हैं ना आप? पता नहीं सर, को मालूम है। कोई इनके साथ का टीचर है? कोई इनके साथ का है? आ जाइए गुरु जी, आइए आप, आइए आप, इतना टैलेंट बेहतरीन छुपाए बैठे हैं। ये हैं वो जो है हीरे के जौहरी, जिन्होंने हीरो को तराशा है और वो हीरे आज सलों की तालियों के लिए मजबूर है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन से क्या सिखा के लाए बच्चों के, कौन से रैंक आई है यहाँ? ना, हम परफॉर्मेंस अच्छा किया, रैंक का पता नहीं भी है, मतलब क्लियर नहीं, हमको मालूम अभी क्लियर नहीं है, नहीं मालूम। लेकिन लोगों की तालियां और चेहरे बता रहे हैं कि अगर रैंक नहीं आई है तो
फिर भी जो है आएगी, आगे आएगी, फिर से आएगी। अगर रैंक नहीं आई अंदर चौके तो बिल्कुल आएगी सर, फिर से आएगी, फिर से आएगी। अगर आज की लिस्ट में रैंक नहीं आती भी हो साहब, क्या सिफारिश आएगी आपकी तरफ से? आ रही है, अभी अनाउंस हो जाएगा, अतिथि आ रहे हैं। बच्चों द्वारा किया गया प्रदर्शन निश्चित रूप से रंग ला रहा है, इसीलिए इस बार आप देखे कि हमारा खेलो इंडिया से जो एक भारोत्तोलन वाला था उसने पदक जीता है। तो ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पे हो रहे हैं वही जाके देश की प्रतिभा बन रहे हैं, वही जाके देश की प्रतिभा बन रहे हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया। एक बार सारे लोगों से कहते हैं जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत किया जाए। तो ये वो टैलेंट है, वो ग्रामीण अंचल का वो टैलेंट है जिसको निखार कर बहुत ज़्यादा आगे जाना है, और शायद यही उद्देश्य रहता है इन खेलों का, इन विधाओं का, जिससे ये बच्चे जिनके चेहरों पे आप खुशी देख रहे हैं, निगासन से निकल के आए हैं और आज इतने लोगों के लिए प्रोत्साहन का जो है सबब बने हैं, और आगे ही ऐसे आप प्रोत्साहित होते रहें, ऐसे अच्छे काम करते रहें और ज़िले से निकल के प्रदेश और जो है देश के पलक पर जो है अपना नाम रोशन करें। लखीमपुर खीरी पोस्ट की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखीमपुर खीरी पोस्ट को